दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कई सारी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पे पहली अपडेट है आरटीएम कार्ड को लेकर के। इसके बाद ड्राफ्ट में बिकने वाले प्लेयर्स, रिटेन होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट, वीरेंद्र सहवाग का आईपीएल में कोचिंग और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग आईपीएल या फिर क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से टेलीग्राम पे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज आप लोगों को दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है वीरू यानी कि वीरेंद्र सहवाग को लेकर के, और वीरेंद्र सहवाग ने हाल ही में बड़ा बयान दिया, जहां पे वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि यदि उनको आईपीएल 2025 में कोचिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ तो वो किसी न किसी आईपीएल टीम के कोच जरूर बनना चाहेंगे, लेकिन वो टीम इंडिया के कोच इसलिए नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि लगभग 12 से 15 सालों तक वो टीम इंडिया के लिए लगातार खेल चुके हैं और इस वजह से वो अपने फैमिली से काफी दिनों से दूर थे, और अगर वो दोबारा टीम इंडिया का हेड कोच बन जाते तो वो एक बार फिर से फैमिली से 2-3 साल के लिए दूर हो जाते। इस वजह से सहवाग आईपीएल में कोचिंग करना पसंद करेंगे और अभी टीम इंडिया की कोचिंग के लिए वो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद दूसरी अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से है। तो मुंबई इंडियंस की टीम के एक अधिकारी ने बताया कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की टीम को नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ये बात सामने आ रहा था कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की टीम को छोड़कर के केकेआर में जाएंगे, लेकिन मुंबई के एक अधिकारी ने बताया कि सूर्या मुंबई इंडियंस की टीम में ही रहने वाले हैं। इसके बाद तीसरी अपडेट चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर के है। तो सीएसके से रिलेटेड एक पुराना इंसिडेंट हरभजन सिंह ने बताया, और हरभजन सिंह ने बताया कि जब शार्दुल ठाकुर को आईपीएल 2019 में केन विलियमसन ने 2 गेंदों पर बैक टू बैक चौका मारा था, तब हरभजन सिंह धोनी के पास गए थे और धोनी को उन्होंने कहा था कि शार्दुल ठाकुर को लेंथ बदलने को बोलिए, लेकिन उस समय एमएस धोनी ने हरभजन सिंह को बोला कि अगर अभी इनका हेल्प किया जाएगा तो ये मेंटली रूप से उतना प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे। तो ये इंसिडेंट हरभजन सिंह ने बताया। इसके बाद चौथी अपडेट आरटीएम कार्ड को लेकर के है। तो इस साल के ऑक्शन में आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल 2 प्लेयर्स के ऊपर किया जा सकता है, यानी कि मेगा ऑक्शन में आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल एक आईपीएल टीम 2 बार कर सकती है और ऑक्शन से पहले 4 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। इसके बाद पांचवी अपडेट ट्रेड विंडो को लेकर के है। तो आईपीएल 2025 का ट्रेड विंडो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। इस ट्रेड विंडो में कुछ बड़े खिलाड़ी अपने टीम को चेंज करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कुछ बड़े प्लेयर्स को अलग अलग टीमें करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑफर भी कर चुकी है। तो आने वाले समय में कुछ स्टार प्लेयर्स ऑक्शन से पहले ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद छठवीं अपडेट ड्राफ्ट में बिकने वाले कुछ बेहतरीन प्लेयर्स को लेकर के है। तो ऑक्शन से पहले ही कुछ आईपीएल टीमें युवा खिलाड़ियों को अभी से ही टारगेट करेगी, जिसमें नाम आता है आयुष बदोनी का। बदोनी को लखनऊ रिटेन नहीं करेगी, तो इस बड़े प्लेयर को मोस्ट प्रोबेबली कोलकाता, हैदराबाद और गुजरात और लखनऊ तो टारगेट करेगी ही। इसके साथ ही नाम आता है प्रियांश आर्या का। दिल्ली प्रीमियर लीग में इनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था और ये खुद आरसीबी की तरफ से खेलना चाहते हैं, तो प्रियांश आर्या को आरसीबी की टीम भी टारगेट कर सकती है। इन्होंने हाल ही में दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 गेंदों में 6 छक्का जरा था, और इसके साथ ही और भी कई सारे युवा प्लेयर्स जैसे कि उमरान मलिक, मयंक यादव जैसे खिलाड़ी को अलग अलग आईपीएल टीमें अभी से ही टारगेट कर रही है। इसके बाद सातवीं अपडेट रैना को लेकर के है। तो मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना ने बताया कि वो चाहते हैं कि एमएस धोनी आईपीएल 2025 में खेले। इसके बाद आठवीं अपडेट शेड्यूल को लेकर के है। तो आईपीएल 2025 का शेड्यूल टकरा सकता है WTC के फाइनल से। WTC का फाइनल 11 से 15 जून के बीच होगा, तो अब BCCI चाहेगी कि किसी तरीके से आईपीएल 2025 को 25 मई से पहले खत्म करवा लिया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी है, तो इस वजह से BCCI को आईपीएल का शेड्यूल काफी बढ़िया से मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद नौवीं अपडेट है गस एटकिंसन को लेकर के, जिन्होंने इंग्लैंड की टीम के लिए हाल ही में काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। इस शानदार खिलाड़ी को आईपीएल टीमें अभी से ही टारगेट कर रही है। मोस्ट प्रोबेबली आरसीबी, चेन्नई और गुजरात और पंजाब जैसी टीमें गस एटकिंसन जैसे
परफेक्ट ऑलराउंडर को टारगेट कर सकती है। वहीं 10वीं अंतिम अपडेट इंडिया बांग्लादेश सीरीज को लेकर के है, तो इंडिया बांग्लादेश सीरीज के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट 2 से 3 दिनों में हो जाएगा। 19 सितंबर को पहला टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। तो ये था IPL और क्रिकेट से रिलेटेड कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।